प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। कृषि कानूनों को लेकर सरकार चारों तरफ से घिरती जा रही है। दिल्ली विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों ने कृषि कानूनों की कॉपियां फाड़ी हैं और विधानसभा में संकल्प पास किया है कि केंद्र सरकार इन कानूनों को निरस्त करे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार अंग्रेजों की तरह बर्ताव न करे। आपको बता दें कि दिल्ली की सरकार 23 नवंबर को ही इन कानूनों को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी थी, लेकिन पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसी बिल को लेकर आमने सामने है और ऐसे में आज दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र और उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बिलों की कॉपियां फाड़ना और केंद्र सरकार पर अंग्रेजों की तरह बर्ताव करने का आरोप लगाना। और दूसरी तरफ सरकार अब इस मुश्किल से निकलने की रणनीति बना रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री और बीजेपी महासचिवों के साथ बैठक की है और इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से पूछ लिया है कि क्या कृषि कानूनों को होल्ड पर डाला जा सकता है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई को वेकेशन बेंच को सौंपा है। इसलिए दंगल में आज पूछेंगे, क्या खत्म होगी तकरार, मान जाएगी सरकार? पहले देखिए रिपोर्ट, फिर बताते हैं। हमारे साथ आज केवल 2 मेहमान होंगे। संजय सिंह सांसद हैं आम आदमी पार्टी के और सुधांशु त्रिवेदी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। सीधी बहस दोनों में, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। किसान संघों का आंदोलन टस से मस नहीं हो रहा, तो अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार से पूछ लिया है कि क्या मामला सुलझने तक तीनों कृषि कानून रोके नहीं जा सकते। कोर्ट के इस सवाल पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार से निर्देश लेकर बताएंगे, जबकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये मुश्किल होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि जब अटॉर्नी जनरल ने कह दिया है कि वो निर्देश लेकर बताएंगे तो आप संयम रखें। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन पर आई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सरकार और किसान संघों की कमेटी बनाने की पहल का संकेत दे चुका है। हालांकि गुरुवार की सुनवाई के दौरान कोई आदेश नहीं आया क्योंकि किसान संघों का कोई प्रतिनिधि कोर्ट में मौजूद नहीं था, लेकिन गुरुवार को कोर्ट ने साफ कहा कि किसान संघों को विरोध का अधिकार है लेकिन किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीजीआई एसए बोबड़े की टिप्पणी थी कि दिल्ली को ब्लॉक करने से शहर में लोग भूखे रह सकते हैं, किसानों का मकसद बातचीत से हल हो सकता है, केवल विरोध में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमने सील नहीं करा, इसको वेल्डिंग से सील कर दिया हो, हम बैठे, बड़ा प्रोटेस्ट है हमारा। एक ये भी है कि अभी तक तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये भी आशंका व्यक्त की गई कि अगर ये वायलेंट हो जाता है, अगर इसमें हिंसा होती है तो उसको कौन कंट्रोल करे? नहीं, क्यों हो जाएगी हिंसा? आशंका है? आशंका नहीं होनी चाहिए, ये तो शांतिपूर्ण तरीके से है। किसान संघों के तेवर कड़े हैं तो विपक्ष भी हमलावर है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि कानूनों का विरोध हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों को कितना महंगा कर दिया, कितना पैसा खर्च होता है चुनावों के अंदर, कितना पैसा खर्च होता है। ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। कृषि कानूनों पर सरकार को जब सड़क पर बैठे किसानों और विपक्ष के नेताओं के बाद अब कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है, तो गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी महासचिवों के साथ बैठक की है। तो उधर किसान सम्मेलनों के जरिए आम किसानों तक बात पहुंचाने के लिए बीजेपी सरकारें कोशिश में जुटी हुई है। बरेली में किसानों के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला। यूपी से पहले मध्य प्रदेश के कई शहरों में किसान सम्मेलन हो चुके हैं जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शिरकत की है। कुमार कुड़ाल और हिमांशु मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। और आपको बता दें दंगल में आज जैसा हमने बताया केवल 2 मेहमान हमारे साथ होंगे। संजय सिंह सांसद हैं आम आदमी पार्टी के और सुधांशु त्रिवेदी
सांसद हैं बीजेपी के, कुछ ही सेकंड में सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ होंगे। पहला सवाल संजय सिंह मेरा आपसे है, ये किसानों के प्यार में बिल फाड़े आज अरविंद जी ने या फिर अमरिंदर सिंह के तनाव में? देखिए रोहित जी, आपको याद होगा कि इस बिल का विरोध पहले दिन से हम लोग कर रहे हैं, और पार्लियामेंट में जब ये बिल आया था और जब पूरे देश में इतना बृहत रूप से आंदोलन भी नहीं शुरू हुआ था, इतने बड़े पैमाने पे आंदोलन भी नहीं शुरू हुआ था, उस वक्त भी मैंने पार्लियामेंट के अंदर इसको लेकर विरोध किया था, माइक तोड़ा था, मुझे सस्पेंड किया गया था, और पूरी भाजपा ऊपर से लेकर नीचे तक रो रही थी कि माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, क्योंकि मैं जान रहा था कि ये काला कानून है देश के किसानों के खिलाफ, उनके डेथ वारंट पे साइन किया गया है, और अगर ये काला कानून देश में लागू हो गया तो इस देश का किसान बर्बाद हो जाएगा, वो चाहे कॉन्ट्रैक्ट खेती का मामला हो, वो चाहे असीमित भंडारण का मामला हो, वो चाहे एमएसपी की गारंटी ना देने की बात हो, तो इससे मंडी सिस्टम खत्म होगा, एमएसपी खत्म होगी, असीमित भंडारण से महंगाई देश में बढ़ेगी, और आज अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करेंगे तो अपने ही खेत में किसान गुलाम और मजदूर बन जाएगा। तो इसलिए पहले दिन से हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं, कोई आज रस्म अदायगी करने के लिए ये कोई बिल फाड़ने या बिल का विरोध करने की बात नहीं है। तो पहले संजय जी लोग पूछ रहे हैं, सबसे पहले आप ही थे जिसकी सरकार ने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया था इसको लागू करने का, तब आपकी सरकार नहीं बोली? देखिए ऐसा है, मैं आपको फिर से दोहरा दूं, केंद्र सरकार के किस, और ये कई बार मैं कह चुका, पिछली बार भी कहा था आपको, कि ये कोई भी कानून केंद्र सरकार का होता है उस कानून में कोई भी बदलाव केंद्र सरकार ही कर सकती है। आज जो किसान की मांग है, अगर इस कानून में कोई परिवर्तन कर सकता है तो केंद्र सरकार कर सकती है। केंद्र सरकार ने यह बिल पास किया है और ऑर्डिनेंस के जरिए बिल पास किया गया। रोहित जी, इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि 5 जून को जब देश में महामारी की स्थिति थी, दुनिया के सबसे बड़े संकट से हम जूझ रहे थे, ऐसे दौरान ऑर्डिनेंस के जरिए बिल पास किया गया, इतनी क्या जल्दी थी? और वो जल्दी वही है जो मैं बार बार कहता हूं, 5-7 मई को 100 एकड़ जमीन अडानी जी को कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए हरियाणा में दी जाती है, और 28 दिन बाद 5 जून को ऑर्डिनेंस पास हो जाता है और कहा जाता है बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाइए, असीमित भंडारण देश के अंदर कीजिए। तो ये बिल किसानों के लिए कहीं दूर दूर तक नहीं बनाया गया है। और आप मुझे एक चीज बताइए कि किसान कह रहा है एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, तो आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने भाषण दे दिया, आप मान लीजिए। भाई भाषण से कभी भी एमएसपी नहीं मिलेगी, प्रधानमंत्री रोजगार का भी भाषण दिया था, प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख लाने का भी भाषण दिया था, प्रधानमंत्री जी ने काला धन लाने की भी बात कही थी, प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी से दूसरी आजादी मिलने की बात कही थी, नोटबंदी से देश की तकदीर बदलने की बात कही थी, और अब क्या कहते हैं, आपको समझ में नहीं आता ये बहुत अच्छा बिल है। ऐसे ही जब जीएसटी लाए तो बोले बहुत अच्छा बिल है, आपको समझ में नहीं आता, अब राज्यों का सिर नहीं दे पाते। नोटबंदी लाए, बोले बहुत अच्छा फैसला है, और 69 टाइम्स रोहित सरदाना जी आपको याद होगा 69 बार नोटबंदी के बाद इन्होंने नियमों में बदलाव किए। तो जो कानून जो नियम आपको खुद समझ में नहीं आता है, जीएसटी लेके आए उसमें बार बार आपको बदलाव करना पड़ता है, आप कहते हैं बहुत अच्छा बिल है, बस मान लो, हमने कह दिया मान लो इसको। तो किसान जानते हैं कि ये बिल उनकी बर्बादी की दास्तान लिखता है, किसान जानते हैं कि आपने उनको आज चौराहे पे खड़ा कर दिया है, सड़क पे लड़ने के लिए वो मजबूर हुए हैं, आप वाटर कैनन उनके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, आप उनको आतंकवादी कह के अपमानित कर रहे हैं, इस किसान अब तक शहीद हो चुके हैं, संत बाबा राम सिंह जी ने अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर ली, इतनी घटनाओं के बाद तो कम से कम कितनी भी क्रूर सरकार हो उसके मन की थोड़ी सी संवेदना जग जाती है। मैं कहता हूं छोड़िए जिद, छोड़िए राजनीति, और अब इसको कम से कम इस बिल को वापस कर लीजिए, जिद मत कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी आपका साथ नहीं दिया, उन्होंने भी कह दिया किसानों को अपनी आवाज उठाने का हक। ओके सुधांशु त्रिवेदी, आज अदालत में जब बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप इनको होल्ड पे नहीं डाल सकते, यही तो किसान भी कह रहे हैं कि होल्ड पे डाल लीजिए, उसके बाद ले आइए जितने प्रस्ताव लाने कर लीजिए चर्चा, जितने संशोधन करने कर लीजिए, क्या सरकार जिद पे है वाकई? और जो बात आज दिल्ली विधानसभा में हुई, अरविंद केजरीवाल और उनके साथी विधायकों ने बिल की कॉपियां फाड़ी, उस पर भी आपकी टिप्पणी।
देखिए कौन जिद पे है कौन सियासत पे है। अब हमारे मित्र संजय जी कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी चाहिए, बिल वापस ले लीजिए। मान्यवर मान लीजिए बिल वापस ले लिया जाए तो एमएसपी लीगल हो गई, कोई संबंध है क्या आपस में? एमएसपी तो जो यथावत स्थिति रहेगी उसमें तो कानून नहीं था। अच्छा फिर इनके साथ ही कांग्रेस के लोग कह रहे हैं राज्य सरकार को अधिकार है, केंद्र को तो अधिकार ही नहीं था इसमें नियम बनाने का। तो भाई राज्य सरकारों से नियम बना दो ना, या संजय सिंह जी कह दें कि ना राज्य सरकारों को अधिकार नहीं है, नहीं तो दिल्ली में बना लो नियम, आप पंजाब में बना लो। पंजाब में आपने फलों सब्जी से हटा रखा है ना एपीएमसी से बाहर, केंद्र सरकार से पूछ से हटाया है। केरल में एपीएमसी एक्ट नहीं है, अस्तित्व में ही नहीं है, क्या केंद्र सरकार की परमिशन से नहीं है? इसलिए मन में संदेह उत्पन्न होता। दूसरा पक्ष ये था बहुत जल्दी की। अब मान्यवर आपके पक्ष के लोग ये कहते हैं ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से 2003 का मॉडल एक्ट चला था जिसमें कि संसद की स्थायी समिति में भी गया था, तमाम बड़े नेताओं की लिखित टिप्पणी है। तो भाई 2017 से 2019 जल्दी नजर आ रही है, तो 9 दिन चले 2.5 कोस से भी आगे होता चला जा रहा है। अब तीसरी बात भाई केजरीवाल जी के लिए इस प्रकार के कोई भी कृत्य करना और इस प्रकार की भाव भंगिमाएं दिखाना, फाड़ दिया ये कर दिया, ये उनके लिए हमेशा मनोरंजन का विषय रहा है। वो कभी इस बात को उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अभी संजय जी कह रहे थे अडानी के लिए, मान्यवर आपको पता है कि अडानी को एफसीआई के स्टोरेज का पहला कॉन्ट्रैक्ट कब मिला था, कितने साल के लिए मिला था, किस सरकार के द्वारा मिला था? उसे 2005 में दिया था, यूपीए 1 सरकार ने दिया था, 2007 से वो प्रभावी था, 15 साल के लिए प्रभावी था, जिसमें 12% मुनाफा पक्का था। अब जनाब आप कह रहे हैं हमको शरद पवार जी के जन्मदिन पर इतना बड़ा बड़ा विज्ञापन निकालता कौन? रिलायंस। और कह रहे हमसे भाई दुनिया की सबसे बड़ा कारपोरेट कौन है फूड में? नेस्ले, जो नेहरू जी के जमाने में करार हुआ, फिर 67 में जाके उनका मामला शुरू हुआ और वो पंजाब में काम कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है? पेप्सी, जो 88 में राजीव गांधी के जमाने में आया और अभी मार्च 2019 में अमरिंदर सिंह ने उसकी फैक्ट्री का उद्घाटन किया। तो मेरी समझ से बाहर है कि अगर नेस्ले पेप्सी खाए जा रहे हैं तो निकाल बाहर करो उनको पंजाब से। और अगर वो किसानों को अच्छा दाम दे रहे हैं और अडानी के साथ आप पहले समझौता कर चुके हैं, रिलायंस का विज्ञापन आप पहले स्वीकार कर चुके हैं, तो ये कौन सा चरित्र है भाई? इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, मुझे तो सिर्फ यही नजर आता है। लेकिन सुधांशु जी आपकी नीयत ठीक है तो 20 किसान जो मर चुके हैं कम से कम उनके लिए सही एक बार तो कह देती सरकार के ठीक है इस ठंड में जहां 4 डिग्री 5 डिग्री तक तापमान जा रहा है दिल्ली का, आप लोग जाइए अपने अपने घर, हम अभी कानून को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, विचार करते हैं। आप लोगों के जो संशोधन हम खुद स्वीकार कर चुके हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा संशोधन आपके करने लायक है, बदलाव स्वीकृत करने लायक है, उसमें से 15 हम अभी मान रहे हैं तो वो बदलाव कर देंगे। देखिए अब आपने स्वयं कहा, बात पहले कहां शुरू हुई थी? एमएसपी की गारंटी, सरकार ने कहा लिखित में गारंटी देने को तैयार। फिर दूसरा उन्होंने एक चीज ऐड कर दी जिसका इस कृषि कानून से कोई मतलब नहीं था, पराली के ऊपर अपराध को केस हटा लिया जाए, सरकार ने कहा वो हटाने को तैयार। अन्य 2-3 मांगे ऐड कर दी जिनका कृषि बिल से कोई मतलब नहीं था, सरकार ने कहा वो भी स्वीकार करने तैयार। मगर समस्या जानते क्या है? अब संजय जी की पार्टी अन्ना आंदोलन से निकली, मान्यवर इतना बड़ा अन्ना आंदोलन था पर उसका नेतृत्व अन्ना हजारे कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी संयोजक बने थे इसलिए आज तक वो अपने साथ संयोजक तत्व लगाए हैं। भाई इस आंदोलन में कोई व्यक्ति चेहरा ही नहीं है। अरे भाई 2 दिन पहले सरदार पटेल की पुण्य तिथि थी, उनको सरदार की उपाधि बारडोली किसान सत्याग्रह से मिली थी। सरदार बारडोली से लेकर 1988 के महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन तक हर आंदोलन में किसानों का एक नेता रहा, चाहे कभी चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, चाहे सरदार प्रकाश सिंह बादल या शरद जोशी। अब यहां विचित्र बात है कि कहते 500 यूनियनें हैं, एक भी यूनियन यह नहीं कह सकती मेरा कोई अध्यक्ष नहीं है मगर हमारा कोई नेता नहीं है। तो भाई जब बात की जाती है तो कुछ लोग बात करते हैं कुछ दूसरे। अब देखिए कई किसान यूनियन है जिन्होंने कह दिया हम संतुष्ट हैं, हम हट रहे हैं, किसी ने कहा हम बिल का समर्थन कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं दूसरों से बात मत करिए हमसे बात करिए। अब फिर कई प्रकार के अवांछित तत्व आते आ रहे हैं, उनको मत मानिए हमारी बात मानिए। तो भाई इसीलिए एक चेहरा तय हो जाए, जैसे आप यहां तो आप लोग तो खुद देख चुके हैं संजय जी, एक ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत है साझे की हड्डियां चौराहे फूटती है और आपके यहां तो खूब फूट चुकी है आपकी पार्टी में। तब आखिर में जब केजरीवाल जी स्थापित नेता बने तब आप तय करते ना कि ये सही है ये गलत है। अब वहां पे भी बता दे एक व्यक्ति हो जो ये कह दे साहब जिस बात को हम मानेंगे इसको नहीं मानेंगे, यहां सरकार एक बात मानती दूसरा कह देता हम नहीं मानेंगे। ठीक है संजय सिंह जी, आपने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए हम इन काले कानूनों का विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि ये कानून वापस ले लिए जाए। 2016 सितंबर 11
आपकी पार्टी ने एक ट्वीट किया, पंजाब आप दे नाल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू मेक एग्रीकल्चर मोर एफिशिएंट, केजरीवाल जी की फोटो लगी और लिखा गया लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मार्केट्स एंड प्रोसेसिंग सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वेयर फार्मर्स विल सेल देयर प्रोड्यूस। तो क्या यह सवाल वापस वहीं नहीं आ जाता कि आज बिल फाड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि अमरिंदर सिंह ने घेर लिया? अगर वो ना घेरते तो शायद कुछ भी ना होता। रोहित सरदाना जी, इससे एमएसपी कहां खत्म हो रही है? हम तो आपसे कह रहे हैं कि चाहे सरकारी एजेंसी खरीद करे चाहे प्राइवेट एजेंसी खरीद करे, आपको एक कानून बनाना है देश के अंदर कि चाहे मंडी में खरीदा जाए या बाहर खरीदा जाए, कहीं भी एमएसपी से कम पर अगर खरीद होती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जाने की कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें मुझे न्यायालय जाने का अधिकार होना चाहिए। अभी सुधांशु जी ने कहा क्या इससे गारंटी मिल जाएगी? अरे तो आप आए किस लिए हैं? मान्यवर, आपने कहा था कि हम C2+50% स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, इसका मतलब फसल की लागत मूल्य के ऊपर 50% मुनाफा देने का वादा आपने किया है, तो गारंटी आप देंगे, कांग्रेस कैसे देगी? कांग्रेस को तो लोगों ने 40 सीट पे पहुंचा दिया, आप अगर नहीं देंगे आपको भी 40 सीट पे पहुंचा देंगे। दूसरी बात, यह बात बड़ी अजीब है कि आपने कहा कि कानूनी अधिकार कैसे मिल जाएगा। अरे भाई, जब आप GST लेके आए तो आप नोटबंदी लेके आए, आप रेल बेच देते हैं, आप सेल बेच देते हैं, आप BPCL बेच देते हैं, आप एयरपोर्ट बेच देते हैं, आप कोल बेच देते हैं, आप सारी सरकारी संस्थाओं को बेचने पे लगे हैं, उस समय आप किसी से नहीं पूछते। लेकिन एक कानून जो किसान मांग रहा है कि हमें आप गारंटी दे दीजिए, आप कह रहे हैं नहीं पहले से नहीं था तो हम भी नहीं देंगे। अरे आपने तो बहुत काम किया, आप LIC बेच रहे हैं, आप बैंकिंग सेक्टर बेच रहे हैं, आप रेल सेल बेच रहे हैं, आप ये भी एक काम कर दीजिए, अच्छा वाला काम, माने खराब काम सारे करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट खेती हम देंगे भले ही किसान को नहीं चाहिए, असीमित भंडारण की छूट हम देंगे भले ही किसान को नहीं चाहिए, भले ही पंजाब में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से हो रही है ना, बढ़ जाए वो तो हम लागू करेंगे, लेकिन एमएसपी की गारंटी किसान को चाहिए वो हम नहीं देंगे कह रहे हैं। तो ये पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से हो रही है कि नहीं? सुधांशु जी और इनकी पार्टी के लोग, पंजाब में तो पहले से हो रही है ना कॉन्ट्रैक्ट। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, पूरी कर लें रोहित जी। ये लोग बार बार कहते हैं, ये लोग बार बार कहते हैं 6% खरीद पूरे देश में होती है, 6% खरीद पूरे देश। अरे भाई, तो ये तो आप अपने नाकारेपन पे उत्साहित हो रहे हैं, मतलब 6% खरीद हो रही है, इसमें आपको शर्म आनी चाहिए कि खुशी होना चाहिए? भाई आप 100% खरीद कीजिए ना, आपको रोक किसने रखा है? ठीक, आप मार्केट बनाइए, आप बाजार बनाइए, आप किसानों के उत्पाद बिक सके इसकी योजना बनाइए, आप 6% खरीद करते हैं आप उसके लिए। और जो आपने कहा कौन सी सरकार अडानी से मिली है, कौन सी अंबानी से मिली है, उसकी गाथा में हम नहीं जाना चाहते। हम तो सुधांशु जी, तकलीफ तब होती है जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो पहले लिखा रहता था भारत का एयरपोर्ट, अब वहां लिखा रहता है अडानी का एयरपोर्ट। अगर आप देश की संपत्तियां इसी तरीके से चंद पूंजीपतियों को लगातार बेचते जाएंगे, जिन लोगों से चंदे लेके पार्टी चला रहे हैं, तो इससे लोगों को समझ में आता है कि ये दरअसल कोई किसान के हित में आप फैसला नहीं कर रहे हैं, है। बल्कि चंद लोगों के इशारे पे लाखों करोड़ों किसानों की आप उम्मीदों को कुचलने का काम कर रहे हैं और उनकी मांगों को नहीं मान रहे, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। ओके, सुधांशु जी जवाब देखिए। संजय जी, आप क्या बोल रहे हैं? जब एयरपोर्ट पे उतरते थे तो नजर आता था भारत का एयरपोर्ट, अब अडानी का एयरपोर्ट दिखा रहता है। और वैसे प्राइवेट कंपनी आपको GMR नजर नहीं आया कभी? मानवर 2010 से दिल्ली मुंबई के एयरपोर्ट GMR पे, आपकी दिल्ली में सरकार है, आपको कभी GMR दिखाई नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो देखना चाहता है व्यक्ति वही देखता है और जो नहीं देखना चाहता वो नहीं देखता। आपने कहा गारंटी, मानवर MSP है, MSP की गारंटी भी है, सरकार लिखित गारंटी देने को तैयार है। हमने उदाहरण दिया कि 3,14,000 करोड़ रुपए की इन्होंने खरीद की 10 साल में एमएसपी की, हमने 8,00,000 करोड़ यानी उससे 2.5 गुना अधिक 6 साल में खरीदा, सितंबर के महीने में एमएसपी बढ़ाई गई है। हाँ, हमने क्या कहा था, एमएसपी कानूनन। आपकी सरकार दिल्ली में है, दिल्ली देश के सबसे समृद्ध प्रगतिशील राज्यों में है, आप ये बताइए सरकार किसी चीज की कीमत बाजार में तय कर सकती है? अच्छा, तय कर दे तो वो खरीदवा देगी? एक मोबाइल की कीमत 20,000 तय कर दी जाए, अगर उसकी मार्केट वैल्यू 15,000 हो तो खरीदवा देंगे? आपके दिल्ली में जिन इलाकों में सर्किल रेट मार्केट रेट से ऊपर हो गया वहां मकान नहीं बिक रहे। अब मैं बता रहा हूं,
एग्रीकल्चर में मान लीजिए सरकार नियम बना भी दे तो किसानों के लिए कितना खतरनाक होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो मूल्य है वो उसकी क्वालिटी के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब क्या होगा, यहां हल्का सा पानी गिर गया, नमी आ गई, अभी तक तो था भाई 100 रुपए वाला गेहूं, मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूं एक बेंचमार्क की तरह, 80 या 90 में बिक जाएगा, नमी आ गई, अब तो 100 के नीचे बिक नहीं सकता, और जो नमी आ गई तो कहेगा साहब इसकी तो वो क्वालिटी नहीं तो मैं खरीद नहीं सकता, अब तो 100 रुपए वाला कूड़ा हो गया ना। ये तो आप कालाबाजारी की ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर रहे हैं कि जिसमें तो किसान की बर्बादी हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार की बातें कही जा रही हैं ये पूर्णता निराधार है। और जो आपने कहा भाई सुधांशु जी, ये चिंता किसान के नुकसान और बर्बादी की है या खरीदार के नुकसान और बर्बादी की है, बिजनेसमैन के नुकसान और बर्बादी की है, जिसका किसान के नुकसान की, कारण क्या, जैसे मैंने आपसे कहा, अब उदाहरण के लिए मैं उदाहरण देता हूं प्रैक्टिकल, आप मोबाइल खरीदने जाइए, केवल पन्नी उसकी ना हो तो मोबाइल की वैल्यू तुरंत 5,000 कम हो जाती है कि नहीं, कोई उस दाम पे नहीं लेगा। अब या तो वो अगर ये नियम हो कि ना ये 20,000 से नीचे नहीं बिकेगा तो वो मोबाइल डब्बा हो गया ना, बोलिए हाँ या ना। अब नुकसान किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ, उस खरीदार का, अब वो तो फिर नंबर दो में बिकेगा। तो जब आप ये कह देंगे कि ये लीगल MSP है, अब पानी गिर गया, हल्की सी नमी आ गई, तो खरीदार तो अपनी जगह सही है, वो कहेगा साहब हमारा तो ये तय था कि इतना नमी रहेगी तो हम खरीदेंगे, तो नमी ज्यादा हुई तो भीग गया, चावल टूट गया लाने में, तो अब जब आप इतने खिलाफ हैं MSP की गारंटी देने के, तो फिर सरकार किसानों से बातचीत में तैयार क्यों हो गई गारंटी देने को, या तो आप खिलाफ है या खिलाफ नहीं है। हमने कहा हम गारंटी देने को तैयार है कि MSP अवेलेबल है और यथावत रहेगा, आपको जहां बेहतर मिले वहां देखिए। अब मैं इनसे यही पूछूं, हम लोग आज यहां बैठे हुए, आज से 25 साल पहले मीडिया में सिर्फ दूरदर्शन होता था, मीडिया में उदारीकरण हुआ तो पहले कभी सरकार के विरोध में खड़े होकर ऐसे दूरदर्शन की परिचर्चाओं में कोई बोलता था? अब आप बताइए मीडिया में उदारीकरण के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ी या घटी? अब बताइए जब खाली HMT सरकार बनाती थी तो घड़ियां बेहतर मिलती हैं या कम मिलती हैं? जिस जमाने में अप्रॉन टीवी भी सरकार बनाती थी, स्कूटर भी सरकार बनाती थी, स्कूटर इंडिया लिमिटेड, अब बताइए अब स्कूटर बेहतर है या तब? अब बताइए सिर्फ सरकारी, हमारे आपके परिवार के कितने लोग प्राइवेट में काम करते हैं, बहुत बहुत तनख्वाहें मिलती हैं। तो भैया अब बताइए, पहले सिर्फ सरकारी स्कूल कॉलेज होते थे, अब कितने लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं, इन्होंने प्राइवेट स्कूलों को नियंत्रित भी किया। अब बताइए उदारीकरण का लाभ सबको मिलना चाहिए, हेल्थ को मिलना चाहिए, शिक्षा को मिलना चाहिए, व्यापारी को मिलना चाहिए, मगर बेचारे किसान को बंधक रहना चाहिए ताकि चंद लोगों की दलाली और चंद लोगों की राजनीति चलती रहे। संजय सिंह, देखिए आज बड़ा सुन के बहुत आश्चर्य हो रहा है, जिस तरह से निजीकरण उदारीकरण पे सुधांशु जी बोल रहे हैं, अटल जी की आत्मा को जरूर कष्ट होगा, तत्तोपंत ठेंगड़ी जी की आत्मा को बहुत कष्ट पहुंच रहा होगा। डंकल प्रस्ताव पे ये लोग पूरे सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, आलोचना निंदा प्रदर्शन आंदोलन, और घूम घूम के घर घर में बताते थे ये भारत का तेल है इसको इस्तेमाल करना, ये भारत का साबुन है इसको इस्तेमाल करना, ये भारत का पेन है इसको इस्तेमाल करना, ये भारत के उत्पाद है इसको इस्तेमाल करना, हमें स्वदेशी लाना है, हमें विदेशियों को नहीं घुसने देना है। कंप्यूटरीकरण के खिलाफ बैलगाड़ी पे प्रदर्शन किया था पार्लियामेंट के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और आज आप इतना बड़ा बड़ा उपदेश दे रहे हैं खरीदारों के पक्ष में। अरे भाई सुधांशु जी, हम मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आज क्या हो रहा है, मंडियों में 800,000 रुपए से ज्यादा किसी किसान को नहीं मिला, उसकी वजह आप जानते हैं, क्योंकि दलाल बाहर बैठे रहते हैं। आपके ये कानून बनने के बाद, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं, कम से कम 30-40 मंडियों का मैं उदाहरण बता सकता हूं जहां पे 800,000 रुपए से ज्यादा धान नहीं खरीदी गई, और वही धान बाहर दलाल 800,000 में खरीदते हैं, अंदर अधिकारियों से सेटिंग करके 1,850 में बेचते हैं, 800-850 रुपए की दलाली खा लेते हैं। ये तो सरकारी व्यवस्था का दोष है। एक सरनजीत नाम का किसान, यही लखीमपुर खीरी में, आपने भी वो वीडियो देखा होगा रोहित जी, और एक महीने तक वो ट्रॉली लेके ऑनलाइन पर्ची लेके आया था, एक महीने तक ट्रॉली लेके खड़ा रहा और उसके धान सड़ गए, धान नहीं खरीद हो पाई। आप बता रहे हैं कि बाहर खरीदार को दिक्कत हो जाएगी, अरे भाई खरीद, आप एक कानून तो बनाइए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून, मैक्सिमम की हम बात नहीं कर रहे हैं, अच्छा धान रहेगा अच्छा दाम मिलेगा, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य तो सरकार घोषित करती है, उससे कम में कोई सामान कैसे बिक सकता है? अगर
खराब रहेगा अच्छा रहेगा ये आप तय करने में अभी से क्यों लगे हुए हैं? क्यों आप मान के चल रहे हैं कि किसान का धान खराब ही होगा? यही सब तो तर्क देते हैं सरकारी मंडियों में। आप चले जाइए, जो भाषा सुधांशु जी बोल रहे हैं यही भाषा वहां पर भी बोलते हैं। और आज जिस तरह से ये विदेशी निवेश का और विदेशी कंपनियों का और बड़े बड़े ऑफिसेस का और नौकरियों का और निजीकरण की पैरवी जिस तरह से कर रहे हैं अटल जी और जो इनके जमाने के जब पुराने नेता जिन्होंने स्वदेशी का इतना अभियान चलाया, उनकी आत्मा को जरूर कष्ट हो रहा हो। ठीक है, चलिए आज आप लोग इस पर किस तरीके से परिवर्तित होके और सब कुछ निजीकरण के क्षेत्र में और बाजार के पक्ष में बोल रहे हैं वो देख रहे हैं लोग। ठीक, इस पर सुधांशु त्रिवेदी का जवाब लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौट रहे, सीधा संवाद संजय सिंह सुधांशु त्रिवेदी, दोनों राज्यसभा के सांसद हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ बीजेपी, एक तरफ सत्ता पक्ष एक तरफ विपक्ष, और बीच में अरविंद केजरीवाल जिन्होंने आज विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि कानूनों की कॉपियां फाड़ी। बीजेपी कह रही है कि केवल दिखावा कर रहे हैं, इनको गंभीरता से नहीं लेते। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं। सवाल ये कि क्या मान जाएगी सरकार और खत्म होगी किसानों के साथ तकरार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा है केंद्र सरकार से क्या कृषि कानूनों को होल्ड पर रखा जा सकता है। इसका जवाब अब सरकार को अदालत के सामने देना है। सुधांशु त्रिवेदी और संजय सिंह हमारे साथ, दो इस वक्त सांसद राज्यसभा के मौजूद हैं, सीधी बात आपस में कर रहे हैं। ब्रेक के पहले संजय सिंह ने कुछ सवाल उठाए, निजीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आना, दोनों चीजों में अंतर है हालांकि, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी उनके कुछ सीधे सवाल थे, उनके जवाब आपको देने। बोलिए। हाँ बिल्कुल, देखिए इनकी बातों का सीधा जवाब देना ही मुश्किल है क्योंकि इनका तो विचित्र चरित्र है। देखिए आपने कभी सुना होगा किसी सरकार ने जिस चीज का नोटिफिकेशन जारी किया उसी का बिल खुद फाड़ दिया हो 15 दिन के अंदर? ऐसा विचित्र काम इन्हीं की सरकार कर सकती है। और इनके सहयोगी जैसे राहुल गांधी जी, जो सरकार उनकी आंख की पुतली के इशारे पे चलती थी, उसका अध्यादेश वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से फाड़ते थे जो एक फोन पे विथड्रॉ करवा सकते थे, उसी प्रकार इनकी पार्टी 23 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करती है और आज ये बिल फाड़ते हैं। शायद आपको पता हो ओलंपिक में जो रिवर्स छलांग होती है ना, उसको रिवर्स समल सॉल्ट कहते हैं। उसके लिए सबसे पहला नाम है 10 out of 10 मिले थे ओलंपिक में नादिया कोमोनोची को मॉन्ट्रियल ओलंपिक में। उससे ज्यादा दक्षता मुझे केजरीवाल जी की पार्टी में नजर आती है कि मौका पड़ने में कैसे रिवर्स समल सॉल्ट मारा जा सकता है। अब मैं एक बात निजीकरण पे कहता हूं विनम्रता के साथ, आम आदमी पार्टी दिल्ली में परिवहन व्यवस्था के लिए तो ऑटो ड्राइवर्स के साथ है ना। ऑटो सरकारी है कि प्राइवेट है? केवल सरकारी बसों से पूरा का पूरा ट्रैफिक वाहन हो सकता है? नहीं हो सकता। लंबी लंबी लाइन लगी रहेगी, आदमी को असुविधा रहेगी। बस वही अंतर है, मंडी में कोई व्यवस्था खत्म नहीं की, सरकारी बसें खत्म नहीं हुई है, उसके बाद भी ऑटो चल रहे हैं और प्राइवेट टैक्सी भी चल रही है, सुगमता के साथ परिवहन हो रहा है। अब यहां पर वही बात है, ना MSP खत्म किया गया, ना मंडी खत्म किया गया, न मंडी की व्यवस्था खत्म की गई। अगर आपको एक ही दो व्यक्ति को जाना है, भाई ठीक है हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं कि हम लेके मंडी में आए। सुनिए शरद पवार जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब बारामती से मुझे मंडी तक और कभी कभी मुंबई की मंडी तक ले जाने में 17% का कॉस्ट में अंतर आता था तो मुझे बड़ा कष्ट होता था। अब देखिए अब आज आकर वो लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, मतलब जो स्वयं लिखते हैं वो किस प्रकार से विरोध में खड़े हो जाते हैं। और जो अंत में एक बात और, इन्होंने कहा कि अटल जी ठेंगड़ी जी, मान्यवर मैं याद दिलाना चाहता हूं हम विरोध में थे WTO के। 1 January 1995 को तत्कालीन भारत सरकार ने WTO पर साइन करके हमारे हाथ बांध दिए। उसके बाद उन बंधे हाथों में जो हम कर सकते थे, मैं रोहित जी कहूंगा आप सारे दर्शक जाके चेक कर ले, November 1999 सियाटल WTO कॉन्फ्रेंस, ये कहा गया भारत ने सबोटाज कर दिया। फिर 2001 दोहा, फिर 2003 कैनकुन जिसमें स्वर्गीय अरुण जेटली जी नेतृत्व करके गए। अब आइए जब मोदी जी की सरकार आई जिनेवा में 2013 में जिस प्रकार के समझौते करके आ गए थे, आज हम MSP देने लायक नहीं होते। बाली 2014, अगस्त 2014 बाली, हम चट्टान की तरह अड़ गए, मोदी सरकार खड़ी हो गई और कितना विरोध हुआ मगर हम नहीं माने, अन्यथा 2022 से 23 आते आते WTO की शर्तों के मुताबिक हम MSP देने लायक नहीं होते। और मजेदार बात देखिए, जो देश हमारा विरोध कर रहे थे MSP देने के मामले में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, उनसे ये लोग समर्थन ले रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आता है ये कौन सी सियासत है कि जो लोग WTO में हमारा हाथ पकड़े ले रहे हैं, गला दबाए ले रहे हैं कि किसान को MSP नहीं मिलनी चाहिए, वो आज कह रहे हैं कि किसान के समर्थन में है। ये बात सिर्फ भ्रम नहीं, संदेह भी उत्पन्न करती है।
ठीक सुधांशु जी, लेकिन मसला इस समय कुछ और है। इस समय मसला सीधा सीधा यह है, सरकार इतने दिन से सड़क पर बैठे किसानों को देखकर पसीजेगी या नहीं, हाँ या ना? देखिए मैं बहुत एक बिंदु में कह दूं, सरकार पूरी तरह संवेदनशील है, इसीलिए सरकार सबसे बात कर रही है। किसान दिल्ली में बैठे हैं, पीएम कल संबोधित करेंगे मध्य प्रदेश के किसानों को, कृषि मंत्री संबोधित कर रहे हैं मध्य प्रदेश के किसानों को, ये जो दिल्ली में बैठे हैं, ये जो गाजीपुर में बैठे हैं, ये जो टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं, इनको कोई संबोधित करने को तैयार क्यों नहीं है? मान्यवर, सरकार ने पूरे सम्मान के साथ उनको बुराड़ी में इनवाइट किया था, चलिए वो वहां नहीं आने को तैयार हुए तो छे राउंड की बुराड़ी में तो कहा जा रहा जेल बना रहे थे। ये दिल्ली की सरकार ने कहा कि पहले स्टेडियम चाहते थे, हमने स्टेडियम नहीं दिए, तो फिर बुराड़ी की बात हुई कि निरंकारी मैदान में बुलाएं और फिर वहीं बैठा लिया जाए। देखिए अब इनकी बात पे हम क्या कहा जाए कि जेल बनाना चाहते थे, कोई कागज दिखा सकते हैं जिसमें लिखा हो जेल बनाना चाहते थे? उसलिए एक बात फेंक देना हवा में वो आम आदमी पार्टी की फितरत है। मैं एक सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं, सरकार ने उसके बाद 40 45 50 आपने जितने लोगों से कहा सरकार ने उससे बात किया, उसके बाद उनमें से कुछ लोग तैयार भी हो गए। अब आप कह रहे नहीं, जो नहीं तैयार है उन्हीं से बात करेंगे, चलो वो भी हम तैयार है बात करने के लिए, आपने गारंटी चाहिए हम वो देने तैयार। अब आप कह रहे नहीं एमएसपी का नियम बना दो, भाई ये तो इस विधेयक के हटने से भी नहीं बनेगा, मतलब ये तो ये हो गया कि एक के बाद एक। और फिर एक बात और भी नम्रता से कह दूं, ये किसान नेता वो हैं, कल आप ही के अंग्रेजी चैनल पे मेरे साथ डिबेट में थे एक सज्जन, और वो बोल गए कि मैं तो लॉयर हूं सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हूं किसान नेता है। ऐसे किसान नेता दो दो बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने में जो संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है 600 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा दे चुके हैं, और दो दो बार पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, और फिर वो उन किसानों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं जिन किसानों के बात होती इतनी आर्थिक तंगी में है कि वो आत्महत्या करने की बात करते हैं। मैं विनम्रता से एक बात कह दूं, सबसे अधिक आत्महत्या घटनाएं कहां होती थी? विदर्भ में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में। संयोग से आज ये तीनों विपक्ष के द्वारा संचालित राज्य है, अगर वहां पे कोई आंदोलन हो रहा होता तो आज सोशल मीडिया के जमाने में छवा दिए होते ये पूरा। ठीक, इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पे स्वीकार्यता है और यहां पर कुछ विशेष कारण से समस्या है। ओके, संजय सिंह। देखिए पहली बात तो ये मुझे बहुत अजीब बात लगती है कि कोई किसान सुप्रीम कोर्ट का लॉयर नहीं हो सकता, कोई किसान पिज्जा नहीं खा सकता, कोई किसान स्कॉर्पियो से नहीं चल सकता, कोई किसान अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकता। ये किसानों के प्रति इतनी हीन भावना क्यों है इन लोगों के मन में? मतलब किसान आंदोलन करे तो वो बिल्कुल, अगर कपड़ा उसका फटा नहीं है, अगर उसकी रोटी सूखी नहीं है, अगर उसने घी लगा लिया तो किसान हो ही नहीं सकता, वो पढ़ा लिखा हो ही नहीं सकता, वो सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हो ही नहीं सकता, उसको तो बिल्कुल अनपढ़ गवार भूखा प्यासा फटे कपड़े पहनना ही चाहिए। ये कैसी मानसिकता है आप लोगों की? और किसान अगर है आंदोलन कर रहा है, विदर्भ में तो आपने मौत का आंकड़ा ही बताना बंद कर दिया मान्यवर, अब आत्महत्या के आंकड़े ही देश में नहीं बताए जाते कि कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि किसान कितना दुखी होकर तकलीफ में आत्महत्या कर रहा है? और जो किसान आत्महत्या कर रहा है उसको आप आतंकवादी कह देते हैं, खालिस्तानी कह देते हैं, पाकिस्तान से मिला कह देते हैं, चीन से मिला कह देते हैं। अभी भी आपने देखा सुधांशु जी ने कहा विशेष परिस्थितियों के कारण, अरे भाई कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं? वो विशेष परिस्थितियां हैं काला कानून। आप शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को आतंकवादी कहते हैं, लाला लाजपत राय जी के वंशजों को आतंकवादी कहते हैं, आप शहीद करतार सिंह सरापा और शहीद उधम सिंह के वंशजों को आप आतंकवादी कहते हैं। जिन लोगों ने जलियांवाला बाग कांड में अपने प्राणों की आहुति दी उनकी आत्मा को आज कितनी तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि वो पगड़ी पहनते हैं, सिख समुदाय से हैं, आज उनको खालिस्तानी आप बता देंगे। और मुझे यह समझ में नहीं आता कि कितनी कमजोर सरकार इस देश में चल रही है, कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग आ जाता है, कहीं पाकिस्तान आ जाता है, कहीं चीन आ जाता है, कहीं नक्सलवाद आ जाता है, कहीं खालिस्तान आ जाता है। तो गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर आपको बिल्कुल संभल ही नहीं रहा है आपके हाथों से देश, हर जगह आतंकवादी नक्सलवादी और खालिस्तानी ही आ जा रहे हैं, तो ये कौन सी बात है? तो मुझे लगता है कि आज जितनी संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है वो दिखाइए। इसी आंदोलन में एक किसान बैठे हुए थे, उनके बेटे सुखबीर सिंह सीमा पर शहीद हो गए, बेटा भारत माता की रक्षा के लिए शहीद हो रहा है, पिता धरती माता की रक्षा के लिए आंदोलन में बैठा हुआ है, और ऐसे लोगों को आप लोग आतंकवादी कहते हैं,
खालिस्तानी कहते हैं बहुत ही शर्म की बात है। आप विंटर सेशन नहीं बुला रहे, आप सोचिए, आपने जबरन जब कोरोना के कारण संसद नहीं बुलाने की बात हुई तब तो आपने संसद बुलाया, जबरन यह बिल पास कराया, और जब आंदोलन चल रहा है इस बिल वापसी की चर्चा पार्लियामेंट में हो सकती है, आप कह रहे हैं नहीं नहीं साहब कोरोना है हम अभी पार्लियामेंट नहीं बुला सकते, आप निगम का चुनाव हैदराबाद में करा सकते हैं, आप बिहार का चुनाव करा सकते हैं, वहां हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा वो हो सकती है, लेकिन पार्लियामेंट नहीं बुलाई जा सकती क्योंकि आपको मालूम है वहां सारी पार्टियां आपके इस काले कानून का विरोध करेंगी। और सुधांशु जी अच्छी तरीके से जानते हैं अल्पमत में होने के बावजूद ध्वनिमत से जबरन राज्यसभा में यह बिल पास किया गया, नंबर नहीं थे इन लोगों के पास, लेकिन क्योंकि अपने जो दो इनकी सरकार के मालिक हैं अडानी और अंबानी उनको फायदा पहुंचाना था इसलिए यह काम किया गया। तो इसलिए मैं फिर अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी को, सुधांशु जी को और इनकी सरकार को कि कृपा करके संवेदनशीलता दिखाइए और इस बिल को वापस लीजिए, जिद मत कीजिए, बहुत देर हो चुकी है, 21 दिन से आंदोलन चल रहा है, अब आप जिद अपनी त्याग दीजिए। आखिरी कमेंट सुधांशु त्रिवेदी, जब कोरोना पीक पर था तो संसद का सत्र हो रहा था, चुनाव भी हो गया जिसका इन्होंने जिक्र किया, अब जबकि आप खुद कह रहे हैं कि कोरोना बिल्कुल अंतिम कगार पर है हिंदुस्तान में और देखिए हम कितने कामयाब हुए इसको जीतने में, आप संसद का सत्र बुलाने से परहेज कर रहे हैं क्यों? और दूसरा फिर पूछ रहा हूं, होल्ड पर डालेंगे या सुप्रीम कोर्ट के कहने तक इंतजार करेंगे कि कोर्ट कहेगा तब सोचेंगे डालना है कि नहीं? अरे मान्यवर जो अपनी अधिसूचना के बारे में कुछ नहीं बोले हमसे कह रहे होल्ड पर डालेंगे, उनसे कहिए पहले अधिसूचना कैंसिल तो कर देते। अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, देखिए इन्होंने इतनी सारी बातें बोल डाली, हमने कब कहा कि किसान जो है वो एकदम गरीब ही होना चाहिए? वाड्रा भी किसान है और जो लोग लॉयर हैं ये कब सुप्रीम कोर्ट में आके केस लड़ते थे और खेत में जाके बुआई करते थे? और मैंने जिनको बताया जो चुनाव लड़े जिनका विदेशों तक कारोबार है वो कब विदेश में जाते कब वो बुआई करते? अच्छा चलिए कितने किसान ऐसे जिनकी 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है बताइए, 0.001%। तो मैं ये कहता हूं कोई समस्या नहीं है, मगर जब आप उनकी दावेदारी करते हैं कि मैं उनका नेतृत्व तो कर रहा हूं तब समस्या होती है। और एक बात और कह दूं, आपने कहा किसान और जवान की बात, मान्यवर इसी किसान का बेटा सीआरपीएफ में जवान बनकर जाता है और जब दंतेवाड़ा में वो शहीद होता है तो इसी जेएनयू में जश्न मनाया जाता है और कोई कुछ नहीं बोलता है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग वही है जो कि जवानों के मारे जाने पर जश्न मनाता है शहीद होने पर और सब लोग जाकर उसको समर्थन करते हैं। और आपने शहीद भगत सिंह की बात कही, आपने तो कहा हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर आप तो जिनका समर्थन करते हैं उन्होंने लिखा है जेएनयू के इतिहासकारों ने लिखा भगत सिंह आतंकवादी थे, और कहिएगा तो आपको वो लिंक भी भेज दूंगा, संसद में हम ही लोगों ने मुद्दा उठाया था जब हम विपक्ष में थे, तो उनके समर्थन में आप खड़े हो गए जाके और आप कह रहे हैं कि साहब हम ये कह रहे हैं। दूसरा अंत में विनम्रता से, वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर गांधी के स्वयंभू उत्तराधिकारियों से लेकर गांधीवाद को लेकर हमारे ऊपर बात करने वाले सबके मुंह में दही जम गया। और अंत में संजय सिंह जी, यदि राज्यसभा में बहुमत होता तो आप लोगों को वो दृश्य क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप 2 मिनट में हमें गिरा देते, इसी पिछले 6 साल में कई बार आपने गिराया है, मगर हमें पता है कि आप लोगों की वो स्थिति है जो ग्रामीण क्षेत्रों की कहावत है, पी ना पाओ तो ढरका जरूर दो, यानी अगर पानी रखा हो और आपको लगे पी नहीं पा रहे तो किसी तरह मेज हिला के गिरा दो कि दूसरा ना पी पाए, आप उस रणनीति पर चलिए। संजय जी जवाब देना चाहते हैं लेकिन समय की कमी है, माफी चाहते हुए बहुत अच्छे से आप दोनों ने मजबूती से अपनी अपनी बात रखी है, संसद के अंदर जो बहस होनी चाहिए थी, संसद का सत्र नहीं है, कम से कम हम कोशिश कर रहे हैं कि टीवी पर ही सही वो बातें हो, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखें और साथ ही साथ ये भी कहते हुए कि किसी भी तरीके रास्ता निकले लेकिन रास्ता निकले, क्योंकि इस सर्दी में जो किसान अपने घर परिवार छोड़कर वहां बैठे हुए हैं लगातार इस मौसम की मार को भी झेल रहे हैं, उनके साथ सरकार को जल्दी से जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए। तो ब्रेक के पहले आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल से सरकार और किसानों के बीच तकरार खत्म होगी? जो जवाब आपने हमें दिए, 74% लोगों को लगता है हाँ इससे तकरार खत्म हो जाएगी, जबकि 26% को लगता है कि इससे भी शायद रास्ता ना निकले। आगे हल्ला बोल अंजना के साथ, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।